आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार 5 सितंबर 2024 को सुबह सिवनी के छिंदवाड़ा बाईपास पर एक ट्रक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच आरंभ कर दी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस कोतवाली पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी कि इस ट्रक में मांस जा रहा है। मांस किसका था ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। दरअसल ये WB23 WB23F6909 इस नंबर का ये ट्रक जो बारे एक जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर रजिस्टर्ड है। वहाँ पर उसका पंजीयन WB23 WB24 दो वहाँ के पंजीयन होते हैं, ये पुलिस सूत्रों का कहना है। कोतवाली पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी भी दी कि इससे जो इसमें मांस ले जाया जा रहा था, उस मांस को समस्तीपुर बिहार से हैदराबाद की ओर ले जाया जा रहा था। ट्रक 12 चक्का ये ट्रक दिख रहा होगा, बीच के दो चक्के उठे हुए भी आपको दिख रहे होंगे। इस तरह देखा जाए तो ये 14 चक्का ट्रक है, पर यहाँ JCB का क्या काम, ये बात सोचकर लोगों को बड़ा एक कोतूहल लोगों का जगा। और सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर हुई कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर पकड़ा गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखना आरंभ हो गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सभी से अपील करती है कि जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि ये मांस किसका था, जब तक ये बात स्पष्ट ना हो जाए तब तक जल्दबाजी में किसी भी तरह की कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करें। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक अपील आप सभी से है। ये देख सकते हैं कोतवाली नगर कोतवाल के साथ कोतवाली के यहाँ पर आपको और भी कर्मचारी दिखाई दे रहे होंगे इस ट्रक के सामने। और इस ट्रक में सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि कोई लिख रहा है कि 20 टन कोई 16 टन कोई 18 टन कोई 15 टन मांस मिला है, अर्थात 20 टन एक टन में 1000 किलो होता है, 20000 किलो या 15000 किलो कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ मांस ले जाया जा रहा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी के बाईपास पर इसे पकड़ा गया और जो कोतवाली सूत्रों का ये भी कहना है कि ये ट्रक जिले में धूमा लखनादौन छपारा बंडोल डूडा सिवनी थाने की सीमा से होकर गुजरकर जब सिवनी कोतवाली सिवनी की सीमा में आया तब इसे पकड़ा गया। सिवनी से वैसे गौवंश की तस्करी लगातार होती आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मांस, इस मांस में जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि नीचे बर्फ बिछाई गई थी, दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह बर्फ थी और उसके बाद मांस को डाला गया। मांस पूरी तरह छिला हुआ बताया जा रहा था, कोतवाली सूत्रों का कहना है कि पूरी तरह छिला हुआ, उसमें कहीं कोई खाल नहीं है और उसके ऊपर से एक बार फिर बर्फ डाल दी गई थी। जब यहाँ ये बात सोशल मीडिया पर आई तो सिवनी के अनेक लोग, वो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बाईपास, और बाईपास से ट्रक्स जाते हुए दिख रहे होंगे। बाईपास से जो सिवनी प्रवेश का रास्ता है छिंदवाड़ा रोड में, वहाँ इस ट्रक को खड़ा किया गया और आप देख सकते हैं भीड़ धीरे 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 बढ़ना आरंभ हो गई। लोग मौके पर पहुँचते गए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आना आरंभ हुई है। हम आपको बृहस्पतिवार 5 सितंबर 2024 को सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं, सुबह 8:30 बजे का नज़ारा, और बृहस्पतिवार को रात लगभग 9:30 बजे 13 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोतवाली पुलिस या पुलिस के द्वारा इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ट्रक में आखिर मांस था तो किसका था और किस तरह से, कौन कहां आरोपी कौन थे, कहां और इनके द्वारा इस मांस को, इसका मालिक कौन है, इस बारे में जानकारी कोतवाली पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। ये मांस
जो सूत्रों का कहना है कि समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर से इसे हैदराबाद ले जाया जा रहा था और संभवतः इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर तौल कांटा कराया जा रहा है कि इसके वेस्ट बंगाल WB23F6909 नंबर का ये ट्रक, और नंबर प्लेट एक पीछे भी दिखाई दे रही है, वो पीछे नंबर प्लेट कैसी है ये कहना मुश्किल है। कितना इसमें मांस मिला है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मांस को NTPC का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिमरिया में, उसके पास सरकारी ज़मीन में 3 JCB लगाकर अभी भी, जब हमें ये खबर 9:30 के लगभग इसे आपके पास भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, तब तक JCB कंपनी की मशीनें, तीन मशीनें लगी हुई हैं और अभी पूरा का पूरा जो मांस था उसे ज़मीन में गाड़ा नहीं जा सका है। सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि वहाँ पर पठार काफ़ी हार्ड मुरम है, इसलिए JCB भी बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पा रही है। 3 मशीनें लगी हुई हैं, कब तक ये काम पूरा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और पुलिस सूत्रों का यही कहना है कि इसमें जो मांस था, जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए कि वो मांस किसका था, तब तक कूद कर किसी भी नतीजे पर शायद ना ही पहुंचा जाए तो बेहतर होगा। इस तरीके के ट्रक कितने पार हुए होंगे, 20,000 किलो, 20 टन जो बता रहे हैं, या 15 टन भी अगर बता रहे हैं, 10 टन भी बता रहे हैं, तो 10,000 किलो या 15,000 किलो, 18,000 किलो या 20,000 किलो, जितना भी इसमें मांस रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि ये मांस की कीमत कितनी रही होगी। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मैं जो मांस जा रहा था वो 3 से 4 करोड़ रुपए मूल्य का मांस हो सकता था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरीके के कितने ट्रक्स पास हो चुके हैं, कितने और भी निकलेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। देर रात तक इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी शायद ही कोई जानता हो, शायद ही किसी को इस बारे में जानकारी पता हो। पुलिस सूत्रों ने ये बात भी कही कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा शुक्रवार 6 सितंबर को कुछ खुलासा किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नई जानकारी लेकर फिर आ जाएंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।